हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, मैं आज आपको मलाई से घी बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। और देखिए, ये कुछ 8 से 15 दिन की मलाई है जो मैंने जमा करके रखी है, दूध से निकलने वाली। तो देखिए, कुछ इस तरीके से 3-4 डब्बे में मेरे पास मलाई जो है जमा हो जाती है 8 से 15 दिन में। तो उसी की मैं मलाई से आपको घी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके का जो घी होता है ना, वो निकल जाता है। अभी मैं निकाल के भी बताती हूँ आपको। आधा लीटर दूध में निकल जाता है। देखिए, जैसे कि ये दूध है, इसे रात में मैंने गर्म करके फ्रिज में रख दिया था। तो इसकी देखिए मलाई कुछ इस तरीके से निकाल के हमें रख देना है। ऐसे ही करके मैं मलाई निकाल के रख देती हूँ। तो देखिए, एक साइड से इसे चम्मच के हेल्प से ले लेना है उसे, और नीचे निकाल के रख देना है। तो ये इतनी जाड़ी जो आधा लीटर दूध आता है ना, उसमें की मलाई है ये। तो इतनी सारी मलाई एक बारी में मुझे मिल जाती है। तो इस तरीके की देखिए मलाई मैं निकाल के रख देती हूँ, और 8 से 15 दिन इसे अच्छे से जमा करती हूँ। उसके बाद ही मैं घी बनाती हूँ। तो आधा किलो 1 किलो घी आराम से बन जाता है ये 8 से 15 दिन की मलाई में। तो देखिए, इस तरीके का मैंने जमा करके रख दिया था। और ये देखिए, 15 दिन की ये मलाई है। ऐसे ही यूज़ एंड थ्रो डब्बे रहते हैं, प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर जो होते हैं, उसमें ही मैं इसे निकाल के रख देती हूँ। अभी ये दूध यूज़ कर लूँगी मैं। और देखिए, मलाई अभी मैं सारी एक कटोरे में निकाल देती हूँ, जिस कटोरे में हमें घी बनाना है। थोड़ा बड़े साइज़ का कटोरा लेना है आपको। देखिए, 1 किलो से ज़्यादा ये मलाई निकल गई है, 15 दिन की मलाई है। तो अभी इसे ना हमें अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसके लिए हमें पहले ठंडा पानी रख देना है फ्रिज में। अभी विंटर सीज़न है तो अभी चलेगा ठंडा पानी, बट फ्रिज में रख के वाला पानी जो होता है ठंडा, तो उससे ज़्यादा अच्छे से जल्दी बन जाती है। और देखिए, अभी ये मलाई को मैं ब्लेंड कर दूंगी। आप चाहे तो पहले चम्मच की हेल्प से इसे फेंट लेना, तो मशीन ज़्यादा नहीं गर्म होगी। अगर आप सीधा मशीन से करेंगे तो थोड़ा ये हो जाएगा, मशीन थोड़ी गर्म हो जाती है और फिर काम नहीं करती है। तो देखिए, अभी मैंने फ्रिज का जो बर्फ़ वाला पानी था वो इसमें ऐड कर दिया। नॉर्मल जो पानी होता है वो नहीं लेना है हमें, ठंडा पानी लेना है। और देखिए, ब्लेंडर है मेरे पास, ये जो केक की क्रीम बनाने का होता है, तो ये मैंने ले लिया। और इसी के हेल्प से अभी मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ही करना है। ये सांचे बाद में मैंने चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी नहीं हो रहा था। तो देखिए, इस तरीके से हमें पूरा फेंट लेना है इस क्रीम को, मलाई को। तो देखिए, ये पहले ना पूरा पानी हो जाता है। आपको लगेगा कि यहाँ इस तरीके से कैसे मक्खन बनेगा, बट इस ये प्रोसीजर से ये बन जाता है। ये देखिए, पहले पूरा ये पानी हो जाता है, दूध मलाई जो होती है ना, तो पूरी पतली हो जाती है वो। तो अब हमें ना बहुत ज़्यादा देर तक इसे फेंटते रहना है, तभी ये बनेगा। देखिए, अभी ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया है, और ऐसे ही करते रहेंगे तो ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पूरा बिगड़ गया है, ये अभी नहीं बनेगा, बट ये बन जाता है। देखिए, पूरा लिक्विड फॉर्म में हो गया था, अभी इसका पूरा दूध बन गया था। और ऐसे ही फेंटते रहेंगे तो 15 से 20 मिनट में देखिए अभी इसका टेक्स्चर थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। और इसी तरीके से हमें फेंटते रहना है। मैंने सांचे चेंज कर दी थी फिर ज़्यादा फास्ट होने के लिए। और देखिए, कंटिन्यू हमें करते रहना है, मशीन बंद चालू करते रहना है हमें। 5-5 मिनट के बाद थोड़ा बंद रखना है मशीन को, नहीं तो ज़्यादा गर्म हो जाती है कम वाट के, इसीलिए। और देखिए, ये देखिए टेक्स्चर इसका कुछ इस तरीके से आ गया था गाढ़ा। तो इसे पूरा गाढ़ा होने देना है हमें, और उसके बाद ही इसे ठंडा पानी डाल के इसका जो लोनी होता है वो निकाल लेना है हमें। तो इस तरीके से फेंटते ही रहना है हमें इसे, कम से कम 20-25 मिनट तो हमें इसे अच्छे से फेंटते रहना है। मशीन गर्म होते रहेंगी, बट हमें थोड़ा रुक रुक के ऐसे करके पूरे 25 से 30 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटते रहना है। तब जाके देखिए हमारा लोनी अच्छे से ये निकल जाएगा, और इसे फिर अच्छे से हम धो लेंगे 3 से 4 पानी से, ताकि इसका खट्टापन पूरा निकल जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये अच्छे से फेंट लिया था, और ये बहुत ही अच्छा एकदम मार्केट जैसा घी बनता है। इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है, और इसका स्मेल भी ओरिजिनल घी के जैसा ही आता है। और ये हमारे शुद्ध देसी घी होता है, घर में बने वाला। तो देखिए, कटोरे में हो रहा नहीं था, तो मैंने इसे बड़े गंज में ट्रांसफ़र कर दिया सारा। और देखिए, कुछ इस तरीके से निकल के आ गया था लोनी। तो मशीन का भी सारा निकाल लिया। इसे 3 से 4 पानी से ना अच्छे से वॉश कर लेना है हमें, पानी निकालते रहना है, और फिर ठंडा पानी डाल के इसे अच्छे से वॉश करना है। देखिए, वॉश करे बाद आधे किलो से ज़्यादा ये क्या लोनी निकल के आ गया था। तो इसे मैंने कढ़ाई में रख दिया था, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है।
अभी कढ़ाई पे रखे वैसे ही ना ये पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और देखिए कुछ इस तरीके से घी बन गया था, तो इसे पूरा ट्रांसपेरेंट होने दूंगी मैं, इसके बाद ही गैस ऑफ कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें तुलसी के पत्ते और पान का पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सा इलायची का पाउडर होगा तो वो आप इसमें ऐड कर देना, तो एकदम दानेदार जो कन्यार घी होता है ना वो बनकर रेडी हो गया है। मैंने ट्रांसपेरेंट ही रखा था क्योंकि मुझे वाइट घी बनाना था। आप चाहे तो इसे गोल्डन होने तक पकने देना है आपको, अगर आपको येलो घी होना है तो। मैंने पहली बार बनाया था तो ये वाइट वाला घी बनाया था मैंने, तो देखिए ट्रांसपेरेंट होने के बाद मैंने एक स्टील का कंटेनर ले लिया, एयरटाइट कंटेनर जो होता है, उसमें मैंने सारा चाय छन्नी के हेल्प से छान के इसमें सारा मैं डाल दूँगी अभी। तो ये आधे किलो से ज़्यादा घी बन गया था मेरा, और देखिए इस तरीके से मैं धीरे धीरे चाय की छन्नी से ही छान लूँगी इसे, और छान के अच्छे से हमें पैक करके रख देना है इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये पूरा जम के अच्छे से बन जाता है घी। तो देखिए सारा मैंने इसमें डाल दिया था डब्बे में, और ये कढ़ाई को भी लग के रहता है बाद में, तो कढ़ाई खड़ी करके रखेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। और देखिए ये छन्नी में जो आता है ना इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, शक्कर वगैरह डाल के इसे भी खा सकते हैं। और देखिए दूध की जो पूरी चीज़ें होती है ना फेंकने में नहीं जाती है कोई भी चीज़। और ये देखिए इतना घी जो है आधा किलो के ज़्यादा मेरा बनकर रेडी हो गया था। आपको डब्बा छोटा लग रहा होगा पर डब्बा बहुत ज़्यादा बड़ा था, लंबा था, इसीलिए ये देखिए इतना सारा डब्बा जो है भर के रेडी हो गया था। तो ये वाइट वाला घी बनाया था मैंने, तो अभी इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। और देखिए 2 घंटे के बाद मैं आपको इसे बताती हूँ कि किस तरह से ये घी बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए थे, तो अभी मैं डब्बा खोल के बताती हूँ। और देखिए पूरा वाइट घी बनकर रेडी हो गया था, एकदम मार्केट के जैसा बनता है ये। और इसके बाद भी मैंने घी बनाया था, तो वो मैंने येलो वाला घी बनाया था, उसे गोल्डन होने तक मैंने पकने दिया था। ये वाइट घी था तो एकदम कन्यार जो घी आता है ना वो बना था, एकदम दानेदार घी रहता है ना उस तरीके से। मुझे ये वाला घी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा वाइट बनाती हूँ। और इसके बाद भी मैंने बनाया था तो वो भी 1 किलो से ज़्यादा घी बन गया था मेरा। तो इसके बाद भी मैं किस तरीके से गोल्डन घी की रेसिपी है तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी इसके बाद। तो देखिए ये वाइट वाला घी बनकर रेडी हो गया था, और एकदम अच्छे से पराठे में वगैरह लगा के इसे अच्छे से खा सकते हैं। और ये देखिए एकदम दानेदार जो घी होता है ना वो बनकर रेडी हो गया था देखिए। तो घी के बहुत सारे फ़ायदे हैं और घी खाना भी अच्छी बात है। तो ये पराठे में वगैरह लगा के मैं बच्चों को वगैरह दे देती हूँ और हम भी खा लेते हैं, काफ़ी अच्छा होता है और यूज़ भी होता है। घर की मलाई से बने हुआ शुद्ध देसी घी है तो इसमें ज़्यादा अच्छे से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसके बाद का जो था ये मैंने गोल्डन वाला घी बनाया था, ज़्यादा इसे पकने दिया था तो ये येलो कलर में आता है। देखिए इसके बाद का ये बकेट भर के जो हुआ है तो ये 1 किलो से ज़्यादा घी था, तो ये भी बनकर काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया था। गोल्डन कलर में आने तक मैंने इसे पकाया था और ये येलो वाला घी है। तो यही कुछ व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।